हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब यूट्यूब चैनल आई एम तैयब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे रेड बटन नजर आ रहा है इसे प्रेस कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक भी करें। एच एंड ई स्टेन, ये हमारे पास अगर हमने कोई भी टिश्यू को स्टेन करना हो तो हमारे पास ये प्रिंसिपल स्टेन के तौर पर काम करता है। यानी कि हिस्टोलॉजी, जब टिश्यू की स्टडी करनी हो डायग्नोसिस के लिए और बहुत से पर्पसेस के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम एच एंड ई स्टेन को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेन है। जैसे कि हमारे पास लैब में पैथोलॉजिस्ट खड़ा है, उसने बायोप्सी करनी है। बायोप्सी ये होता है कि बॉडी में से किसी भी डिजीज टिश्यू का छोटा सा पार्ट को रिमूव कर लेना और उसको लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर या स्टेन करके देखना कि डिजीज किस हद तक फैल चुकी है, क्या वो पूरे ऑर्गन में फैल गई है या फिर एक छोटे से पार्ट में फैली हुई है, या उसकी जो सिवेरिटी कितनी है, यानी अभी डिजीज स्टार्ट हो रही है या प्रोग्रेसिंग में है या उसकी लास्ट स्टेज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बायोप्सी से मिलती है। उसमें जो सबसे अहम चीज होती है वो स्टेनिंग होती है, और उस स्टेनिंग किससे करते हैं, एच एंड ई स्टेन से करते हैं। तो कंपोजिशन क्या होती है एच एंड ई स्टेन की, एच जो हमारे पास इसमें होता है वो केमिकल है जी हीमोटॉक्सिलिन, और ई से होता है इओसिन। आई इन डिटेल से देखते हैं हीमोटॉक्सिलिन और इओसिन। हीमोटॉक्सिलिन की बात करें तो ये हमारे पास जब हम सेल का या टिश्यू का कि जब स्टेनिंग करते हैं तो हीमोटॉक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करता है। यानी ये हमारे पास न्यूक्लियस से जाके बाइंड होता है और न्यूक्लियस को स्टेन करता है, उसको विजिबल करता है कि वो माइक्रोस्कोप में नजर आ सके। और ये बेसिक इन नेचर होता है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसीलिए ये जो डीएनए और आरएनए में मौजूद फॉस्फेट की एक चेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और उसके साथ जाके बाइंड होता है ये और न्यूक्लियस को विजिबल कर देता है माइक्रोस्कोप के अंदर। इसीलिए इसे हम कैटायनिक स्टेन कहते हैं। कौन सा कलर अपीयर होगा, ब्लू कलर जो है वो हमें नजर आएगा माइक्रोस्कोप में जब हम इसकी स्टेनिंग कर रहे होंगे टिश्यू की। और नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है बेसोफिलिया। पैथोलॉजिस्ट इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी भी टिश्यू या सेल की स्टेनिंग के रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हो कि जी इसके अंदर बेसोफिलिया का पोर्शन ज्यादा है इस स्टेन के अंदर, या इतने टाइम के बाद बेसोफिलिया का जो पार्ट है वो कम हो गया। तो इसी वजह से आपको ये चीज पढ़ाई जा रही है कि जहां बेसोफिलिया आएगा तो आपने ऑटोमेटिकली इसको समझ लेना है कि यहाँ पे क्या चीज बाइंड हुई है, हीमोटॉक्सिलिन बाइंड हुई है, और किसके साथ बाइंड हुई है, न्यूक्लियस के साथ। अगर ये हमारे पास जो ब्लू डॉट्स पूरे सेल में बिखरे हुए नजर आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर ये हमारे पास एक ही जगह पे इंटैक्ट ब्लू कलर मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल न्यूक्लियस अभी रिमेन है, वो इंटैक्ट है अभी बाकी ये सेल में। नेक्स्ट हमारे पास इओसिन जो दूसरा पार्ट है इसी एक स्टेन के अंदर, वो किसके साथ जाकर बाइंड करता है, वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ बाइंड करता है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जब वो बाइंड करता है और उसे स्टेन करता है। ये एसिडिक इन नेचर होता है और इस पे नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, उनके साथ जाके ये बाइंड करेगा, इसीलिए हम इसे एनायनिक स्टेन कहते हैं। अब कलर कौन सा अपेयर होगा, जब हम स्टेन करके फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो पिंक कलर अपेयर होगा। तो जहां जहां पिंक कलर अपेयर हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो सारा हिस्सा साइटोप्लाज्म का है, वो कोई ना कोई ऑर्गेनेली है, वो ऑर्गेनेली के पार्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है पैथोलॉजी में, इओसिनोफिलिया। अब जब इओसिनोफिलिया के आगे मैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग में टर्म इस्तेमाल करूंगा तो आपको ये भी ऑटोमेटिकल समझ लेना है कि हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं जी कि हमने टिश्यू को स्टेन किया एक्स वाई डिजीज के अंदर और उसके अंदर इओसिनोफिलिया इंक्रीज होगा, उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो नॉर्मल सेल से ज्यादा बड़ा हो चुका है, या हम ये कहेंगे कि इओसिनोफिलिया खत्म हो गया, नजर नहीं आ रहा सेक्शन, उसका मतलब ये होगा कि साइटोप्लाज्म में मौजूद जो भी ऑर्गेनेल्स है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इन दो बेसिक टर्मिनोलॉजी को, बेसोफिलिया और इओसिनोफिलिया को याद रखना है कि बेसोफिलिया का जहां टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वो न्यूक्लियस के लिए हम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस को स्टेन कर रहे हैं, और इओसिनोफिलिया हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट को स्टेन कर रहा है। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड बटन नजर आ रहा है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड के साथ